भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, और देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ 18/5, 6/5 और 18/125, एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, और बहुत आसानी से समझाऊंगा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का मेथड, बहुत आसानी से समझाऊंगा, आप समझ में आ जाएंगे। एलसीएम अगर आपको किसी का निकालना है तो जो ऊपर वाले नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, उनका एलसीएम निकालो, और जो नीचे वाले होते हैं जिनको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उनका एचसीएफ निकालो। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और दोनों को डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना, ऊपर वाले का 18/6/18, कौन सा है 18/6/18। अब मुझे बताओ ये तीनों के टेबल में ऐसा छोटा छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा है वो कौन सा होगा। सिक्स का टेबल आप देख लो, सिक्स के टेबल में 12, 18, 24, देखो सिक्स के टेबल में 18 आ रहा है, 18 के टेबल में 18 आएगा, 18 के टेबल में 18 आएगा, छोटा नंबर सबसे कौन सा है 18, जो तीनों के टेबल में आ रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 18 हो गया, इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 18 हो गया। आप देखो 18 से पहले कोई नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 18 इनका एलसीएम हो गया। अब नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है, नीचे वालों का क्या निकालना है एचसीएफ, नीचे वाले कौन कौन से नंबर है, 5 है और 125 है, आपको ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों में इनका मल्टीपल्स निकालना है जो तीनों में सेम आ रहा हो। आप देखो 5 किसके टेबल में आते हैं, 5 वन ज़ा, ये 5 किसके टेबल में आता है 5 वन ज़ा, 125 किसके टेबल में आता है 25 5 ज़ा, 25 5 ज़ा मतलब क्या हो रहा है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो आप अगर अब देखोगे तीनों में एक 5 सेम है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, इनका एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, सॉरी एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो गया इनका 5 हो गया, और ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो गया 18 हो गया। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लिखो और नीचे वाले का एचसीएफ लिखो, तो ऊपर वाले का एलसीएम 18 है, नीचे वाले का एचसीएफ है 5, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 18/5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा 15 होता है, 3 बच रहा है, पॉइंट लगाओ यहाँ 0 लगाओ, 5 सिक्स ज़ा 30, तो 3.6, आपका आंसर क्या आएगा बी 3.6।